आपको इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसे लोग बोलते हैं हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है। ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि क्या कैसे क्या चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। इसमें ज़्यादातर लोग ये परेशान हो जाते हैं निकालने में कि इसमें दिया क्या है, इसमें यही नहीं फाइंड कर पाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी। तो इन सब चीज़ों को हम आपको बहुत आसानी से बता रहे हैं कि देखिए कैसे इसमें हम फाइंड करेंगे कि क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या निकालना है। ये हम क्वेश्चन पढ़कर कैसे आसानी से जान सकते हैं। जैसे जो हमने पिछला वीडियो बताया था, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र और क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, इन्हीं दो फार्मूलों को यूज करके इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर आपको दोनों चीज़ें कैसे कहां पर यूज करनी ये चीज़ नहीं पता है। और अगर हम बता रहे हैं इसी चीज़ को बहुत ही आसानी से, आप इससे भी टफ क्वेश्चन अगर आएगा तो भी कर ले जाएंगे। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको स्किप मत कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक छोटा सा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वाह क्षेत्रफल यानी जल के ऊपर का वाह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गित हो सकता है। जल का अपवर्तनांक यानी n बराबर दिया हुआ आपको, ठीक है, ये जल का अपवर्तनांक दिया गया। सिर्फ यही एक चीज़ आप आसानी से जान पा रहे हैं कि क्या चीज़ हमको दिया है, ये क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक। बाकी 80 सेंटीमीटर गहराई दिया है, इसको किस चीज़ में यानी कैसे यूज करना है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। तो बल्ब को प्रकाश, इसमें हिंट हल्का सा लिखा है कि बल्ब को प्रकाश स्रोत मानिए। अब देखिए इस वीडियो को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिए। इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले आप फिगर को बनाइए, ठीक है, जैसा जैसे ये बोल रहा उस तरीके से फिगर बनाइए, 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रा कर दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पानी से भरा टैंक है, ये हमने मान लिया कि हमारा कोई पानी से भरा टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है, इस तरीके से। इसके तली पर कोई एक बल्ब यानी पॉइंट ओ पर हमने मान लिया यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ, जिसकी गहराई यानी ये टैंक कितना गहरा, गहराई दिया यानी h, h का मतलब क्या a o, ए से लेके वो तक की दूरी दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया 80 सेंटीमीटर, ओके। आप देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है सी ए ओ, सी ए ओ ये क्या हो गई रेडियस। अब सी ओ और सी बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सी ओ बराबर सी बी, इसको हम मान लें सी ओ बराबर ओ बी, ठीक है, सी ओ ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या आर, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे चलने वाली प्रकाश किरण, जैसा कि पता है ये सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम से ऊपर वायु है, विरल माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो क्या होती हैं, अभिलंब से दूर भागती हैं। अब जैसा कि मैक्सिमम पूछ रहा कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा, ये इतना एरिया इसका होगा, सपोज करते हैं इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि ये एरिया होगा कितना यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, अब यानी वह मैक्सिमम मान, आपतन कोण का वह मैक्सिमम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90° हो जाए, तो ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई, इधर ऐसे अपवर्तित किरण। अब इस आपतन कोण के ऊपर अगर इसका मान हम और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण पुनः वापस इसी माध्यम में लौट आएगी। यानी जब भी हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या करते हैं, अधिक कर देते हैं, तो प्रकाश किरण जो है वो अपने ही माध्यम में वापस आ जाती है। यानी क्रांतिक कोण तक जितने प्रकाश किरणें इस क्रांतिक कोण तक जा रही हैं, जिनका आपतन कोण कितना है, क्रांतिक कोण के बराबर, वो जल के सरफेस तक पहुंचेंगी। कहां तक पहुंचेंगी, सरफेस तक, यानी इतना ही पहुंचेंगी। बाकी जिसका भी मान, जो प्रकाश किरण
इससे ज़्यादा एंगल पर जाएगी वो पुनः इसी पे वापस, यानी वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो बाहर कितना जा रही है, क्रांतिक कोण तक का, क्रांतिक कोण तक का। तो मान लेते हैं ये रहा क्रांतिक कोण तक का, ठीक है। अब इसके लिए अपवर्तन कोण का मान लिए 90 अंश, यहाँ पे देखो हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जितना एरिया कवर करेगा वही उतना हमारा मैक्सिमम क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये एरिया जो है कितना है, कुछ मान लेते हैं इसको सी से लेके बी तक की दूरी को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं एल या कुछ समथिंग करके ऐसे मान, इसको क्या करते हैं एल मान लेते हैं। यानी ए सी बराबर ए बी बराबर एल, ये भी क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब तो क्रांतिक कोण के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण का फार्मूला लगाओ, क्रांतिक कोण के सूत्र के अनुसार। अब क्रांतिक कोण का सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, ये दूरी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर यही दूरी हमको पता चल जाए, ये दूरी पता है, ये दूरी पता चलेगा मतलब क्या हो जाएगा, इस ऊपर जो क्षेत्रफल बना है वृत्त टाइप का उसकी रेडियस पता चल गई। जब रेडियस पता चल गई हमको यानी एल, ठीक है, एल अगर हमको उल्टा कर लेते हैं, इसको ये रेडियस है, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एल मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, इसको आर, ओके। तो ये रेडियस पता चल गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यही पता करना है क्रांतिक कोण के ऊपर। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, साइन आई सी बराबर क्या बताए थे, 1/n, जहाँ पे n क्या है, जल का अपवर्तनांक, और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना 1/1.33। इसको इससे भाग करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.75। अब भाग करना भी अगर नहीं पता तो भी करके दिखा देते हैं, 1 को भाग करना है 1.33, एक दो अंक के बाद दशमलव, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। यानी किससे भाग करना है, 133 से 100 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लिए 0, अब ये हो गया 1000। 133 से 1000 में भाग करेंगे लगभग 7 बार जाएगा, तो 7 3 21 7 3 23 7 1 7 2 9, यह है 9 6, फिर 0 आ जाएगा, अब लगभग 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16, 5 1 5 1 6, ठीक है। तो दसवें के बाद 2 अंक बहुत है, तो वैल्यू ये निकल के आ गई, क्लियर। तो क्रांतिक कोण का मान इतना आ गया, यानी साइन आई सी बराबर आ गया 0.75, ठीक है। अब साइन कितने का मान होता है 0.75, साइन कितने का मान होता है 0.75, ये तो हमको पता है नहीं और ना ही आपको पता है, क्योंकि हमें 1/2 का पता, 1 का पता अंडर रूट, 1/√2 का पता, 3/2 का पता है, लेकिन 0.75 का नहीं पता, क्लियर। तो अब इसका मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, यहाँ तो हालांकि दिया नहीं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा या कहीं पर भी आएगा तो इस तरीके से हिंट के रूप में दिया रहेगा वहाँ पर, बस आपको ही समझना है कि क्या चीज़ें हमको दी हुई है, ऐसी ब्रैकेट में ये दे देगा, ठीक है। साइन 48.6 = 0.75, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओके। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप सीधे जहाँ इस आई सी की वैल्यू आएगी यही रख के आगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको ढूंढना नहीं रहेगा, बस यहीं पे इसको यूज करना है। देखिए तो यानी 0.75 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन आई सी बराबर साइन 48.6, तो आई सी बराबर हो गया, आई सी इक्वल हो गया 48.6 डिग्री, ठीक है। अब टेन का फार्मूला लगा दो, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्योंकि हमको क्या दिया है, आधार दिया हुआ है। टेन 48.6 = आधा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया ए सी बटे वो
ए एसी कितना है, नहीं पता, आर माना गया है। ओ ए कितना है, दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया, 80 × 10 48.6। टेन 48.6 की वैल्यू क्या होगी, 10 48.6 की वैल्यू, तो 10 48.6 ये भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टेबल से देख के लिख दे रहे हैं बुक के, ठीक है। तो कितना होगी वैल्यू इसकी, 80 × 1, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता और ये 45 से ज़्यादा है तो मान थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, 1.1345। इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा 9.0 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया क्या, रेडियस, ठीक है, ये रेडियस निकल गया। अब जल का वृत्तीय क्षेत्रफल, जल के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर, 9.7 का होल स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 90.7 गुणे 90.7, इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसको गुणा करके दिखाना पड़ेगा कि आप लोग गुणा कर लेंगे, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 258685, ये हम कैलकुलेटर में गुणा करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, ये स्क्वायर है तो 1 2 3 4, यानी इसको क्या कर रहे हैं, 865 को 100 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर एक और सेंटीमीटर है उसको भी मीटर में, तो 100 36 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.1234, 1234, नीचे 4 0 तो 4 अंक बाद 0.5 हो जाएगा, 5865 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे और समझ कर क्या करेंगे, फिगर को ड्रा कर लेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा उसी हिसाब से फिगर ड्रा करेंगे, तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ हम आपको उदाहरण बता देते हैं, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब खत्म हुआ था टॉपिक, तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं वो हमने नहीं बताया था, यानी उसका कारण नहीं बताया था, तो उसका कारण हम अब आपको बता दे रहे हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रटनी नहीं है, बस केवल समझना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से लिख सको। अगर आप क्वेश्चन को रटेंगे, कारण रटने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में लिखते वक्त आप भूल जाएँ। तो जो बताने जा रहे हैं उसको बस केवल ध्यान से समझिए और कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर रटने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर भूलेंगे। तो देखिए कैसे इसको समझें।